आज मैं बनाने वाली हूँ कानपुर के फेमस धनिए के आलू। इसे बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मीडियम साइज के उबले हुए आलू, हरा धनिया जिसे मैंने धो लिया है, 5-6 पत्ते मैंने पालक के लिए हैं। यहाँ पर मैं ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, कैथा यानी कि ब्यूटीफुल फ्रूट। इसे मैंने इस तरह से तोड़ लिया था। अब इसके बीच का जो गूदा है इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। फ्रेंड्स, आप ये चीज़ अगर धनिया के आलू में डालेंगे तो आपकी धनिया के आलू का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा, तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने निकाली, इसे डालते हैं मिक्सर जार में। साथ में मैंने ये पालक के पत्ते डाल दिए हैं, कलर जिससे अच्छा है, और हरा धनिया डाल देंगे। आप खट्टी पालक का यूज भी कर सकते हैं इस जगह। मैंने 2 मिर्च तोड़कर डाल दी हैं और थोड़ा सा अदरक छीलकर और काटकर। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसकी हम प्यूरी बना लेंगी। ये हमारी देखिए चटनी बनकर तैयार है। इसमें फ्रेंड्स मैंने अभी नमक नहीं डाला है। आलू को हम काट लेंगे पीस में। ये धनिया के आलू बनाने में जितने आसान है खाने में उतने ही स्वादिष्ट। जब भी दिल करे आपका बनाकर खा सकें, छोटी मोटी पार्टी हो तो भी आप स्नैक्स के रूप में इसे रख सकते हैं। ये लीजिए सारे आलू कट गए हैं, अब मैं डाल रही हूँ इसमें चटनी। फ्रेंड्स मैंने 1 कैथे की चटनी बनाई थी, मैं हाफ यहाँ पर चटनी डाल रही हूँ और डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक स्वाद अकॉर्डिंग, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और भुने हुए जीरे का पाउडर। इन सभी को हम मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से डाल देंगे नींबू का रस। ये लीजिए खट्टे मीठे चटपटे धनिया के आलू हमारे तैयार हैं। निकालते हैं सर्विंग प्लेट में। ऊपर से कद्दूकस किया हुआ मूली का लच्छा डाल देंगे और थोड़ा सा नींबू का रस। ये लीजिए हमारे कानपुर के स्ट्रीट फूड धनिया के आलू बनकर तैयार हैं। यम्मी एंड डिलीशियस। तो आप भी फ्रेंड्स इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल मत भूलिए कि आपको ये हमारे धनिया के आलू की रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली रेसिपी में फिर से। बाय बाय।